नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 226 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 7156। बिहार राज्य में अगर हम संक्रमित व्यक्तियों में रिकवरी का रेट देखें तो यह है 78.5%, जो कि नेशनल एवरेज से 20% ज्यादा है। रिकवरी का नेशनल एवरेज जो है वो 58.5% है आज की तिथि। विगत 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव के 258 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसेस जहां तक प्रश्न है 38 जिला मिला करके 1897 पॉजिटिव केस आज की तिथि में बिहार राज्य में है। जहां तक जांच का प्रश्न है, हम लोगों ने कल 7447 सैंपल्स की जांच की और अब तक जो कुल जांच हुआ है उसकी संख्या है 205,832। यदि आप देखेंगे जांच करने के उपरांत संक्रमण का जो दर परिलक्षित हो रहा है, अगर आज तक का औसत अगर आप देखें तो 205,832 सैंपल्स में हमें 9,117 मामले पॉजिटिव मिले, जो 4.42% होता है। लेकिन अगर कल की जांच की हम बात करें तो 7,447 सैंपल्स में 226 मामले आए हैं, जो 3.46%। तो आप कह सकते हैं कि औसत जहां हमारा संक्रमण दर ज्यादा है, वहीं हाल के दिनों में जो हम सैंपल्स की जांच कर रहे हैं उसमें संक्रमण का प्रतिशत औसत से फिलहाल कम आ रहा है। एक बिंदु यह है कि केसेस ज्यादा प्रतिवेदित हो रहे हैं, जैसे 300 प्लस केस आने पर है कि सबसे ज्यादा केस आए। इसको इस रूप में समझना होगा कि हम कितनी जांच कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो बिहार राज्य में हम लोग 15 अप्रैल को 537 जांच किए थे, वहीं 30 अप्रैल को 1446 जांच किए थे, 15 मई को हमने बढ़ाकर 1695 जांच किया था, 31 मई को हम 2353 जांच किए थे, 15 जून को हम 3557 जांच किए थे, वहीं 25 जून को हम 7906 जांच किए और कल 27 जून को 7447 जांच हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो जांच किया जा रहा है उसी के प्रतिशत के रूप में आपको पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। एक दिन में कल से ज्यादा केस आ जाना वो चिंताजनक नहीं है, मुख्य बात यह है कि एक्चुअली जांच किया जा रहा है उसमें संक्रमण का प्रतिशत क्या आ रहा है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि 3.46% है। अगर आप देखें 31 मई के आंकड़े को, जब हम क्वारंटीन सेंटर्स में बाहर से गृह राज्य लौटे व्यक्तियों को रख रहे थे और वहां रैंडम सैंपल और सिम्टम्स आधार पर जांच कर रहे थे, तो 31 मई को हमने 2353 जांच किया था, वहीं 180 मामले पॉजिटिव आए थे, जो कि कुल जांच का में पॉजिटिव परसेंटेज 7.64 था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आज की तिथि में जांच हम ज्यादा करा रहे हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं अपने जांच में, हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप हमारे केसेस जो हैं पिछले दिनों से ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसको पूरे प्रतिशत के रूप में देखा जाना ज्यादा पसंद।